रिकॉर्डिंग चालू हो गई। नमस्कार, मैं दशरथ सिंह, कृषि अधिकारी नवहर फर्टिलाइजर भोपाल ब्रांच से। आज हम आपको एक अपने रिजल्टेड किसान से मिलवाने जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका सर शुभ नाम क्या है? दशरथ माली। दशरथ जी माली। और आपका गांव कौन सा लगता है? अंदरगा। अपना जिला कौन सा लगता है? मंदसौर जिला के रहने वाले हैं आप। आपने हमारे किस कंपनी से प्रोडक्ट यूज़ किया है, किस कंपनी का यूज़ करते हैं? ये एंजाइम ने ये दोनों दिया और क्या है कोई। अच्छा, आप जेम्स वंड कॉम्बी पैक डाला है आपने। अच्छा, किस कंपनी का इससे डाला है आपने? नव भारत। अच्छा, नव भारत से आप प्रोडक्ट डाला है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि कैसा इसका रिजल्ट है? रिजल्ट अच्छा है इसका, न्यू कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बोले ज़्यादा भी दे देते ना बट तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आता है, सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा अच्छा। अगर कोई अगर केमिकल देते हैं तो उसका अगर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर। तो उसका साइड इफेक्ट बता देते हैं इसका। अच्छा, मतलब हर साल आप केमिकल यूज कर रहे हैं और अभी आपने पहली बार अपना जैविक डाला है, जैसे अपना जेम्स वंड कॉम्बी पैक, तो उसमें आपको कैसा लगा है? लगा है 50% कुछ फ़ायदा मिला अपना। अच्छा अच्छा। जो अपन देते हैं वो रासायनिक वो देते हैं ना, उससे इसमें बहुत ज़्यादा है। डोंडे में कैसा अंतर लगा है जैसे आप बताओ? डोंडे तो अच्छे आए हैं, बड़े भी आए हैं गेंदु। हाँ देखो, ये देखो जैसे आप देख रहे हैं कि अपना डोंडे भी बहुत अच्छे लगे हैं, बड़े बड़े डोंडे आए हैं इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आपने पहली बार ही यूज किया है, थोड़ा आप भी देख सकते हैं। देखो कितने अच्छे डोंडे लगे हैं, फूलों की मात्रा देखो, फूलों की मात्रा भी अच्छी है और सब कुछ मतलब अपना पहले से अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ बीमारियाँ भी नहीं लग रही है। अब आएगी भी वापस गर्मी के हिसाब से वो। अच्छा अच्छा, वो तो अपने ऐसे वातावरण के आ जाती है। हाँ, मौसम के हिसाब से भी आ जाता है। तो आप मतलब केमिकल डाल रहे हैं, उसकी अपेक्षा आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं? केमिकल से ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि केमिकल अगर नुकसान करता है। हाँ, ज़्यादा दे देते हैं, अगर अपन ज़्यादा भी हो जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है। और ये अपन को जब ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है अपने, और पौधों को अधिक मात्रा में लाभ देता है अपना। ये सुविधा अच्छी जाता है। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक प्रोडक्ट का यूज करें और जैविक के प्रति ही अपने किसानों को भी समझाएं। आप तो खुद कर ही रहे हैं लेकिन अपने और भी नज़दीकी किसान हैं उनसे भी आप समझा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि अपना जैविक प्रोडक्ट आ रहा है उससे क्यों करवाएं। आपके तो क्या है कि भाई साहब भी थोड़ा लेट आए हैं। अच्छा अच्छा। जल्दी होगा ना तो कुछ बुवाई में ही लगाएंगे तो खाद वाद डालेंगे। अच्छा, तो बुवाई में भी आप खाद तो का क्या है कि ढूंढे आने लग गए थे उसके बाद हमारा संपर्क हो पाया। सर, अपना एक ये बेंजाम जी प्रोडक्ट आता है दानेदार करके, और एक अपना बीजिया ग्रोमन भी आता है, इसको भी आप बुवाई के 20 से 25 बार पहला पानी देते हैं उस समय पे आप डाला जाता है। लेकिन उसके बाद एक अपना ये बेंजाम एल आता है, इसका भी आप स्प्रे करने के लिए जैसे आपने अभी इसमें यूज किया है, इसको भी आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। और एक अपना आता है जैसे ये अपना प्रोडक्ट आता है बिजिया ग्रोमन के नाम से, ये अपना जैसे इसमें आप देख रहे हैं बिजिया ग्रोमन के नाम से प्रोडक्ट आता है। ये प्रोडक्ट अपना जब अपना बुवाई करते हैं उससे पहले डाला जाता है। तो ये क्या है अपना जो अपने सूक्ष्म मात्रा में जो मित्र कीट है ख़त्म हो गए हैं उनको दोबारा से रिकवर करता है और दोबारा से अपना मिट्टी को सुधारता है, मिट्टी को मुलायम बनाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी जैसे अपनी फसल जो कट रही है उसमें आप जैविक खाद में बिजिया ग्रोमन का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है सर जी, फिर हम मिलते रहेंगे आपसे, अपनी सर्विस जैसे भी हो हम आपको सर्विस देते रहेंगे, बेहतर सर्विस। इसके लिए मैं आपको दो चार हमारे अपने गांव में दो चार डेमो भी दे लो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। क्या है कि किसान को कुछ फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पास आ जाए। नमस्कार जी। नमस्कार।